नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती की, जिसका कि आपको पता है शॉर्टलिस्टिंग में आप लोगों को जिनको जिन लोग एलिजिबल होंगे उनकी नोटिस आ चुकी है। यहाँ हम पूरी बात करेंगे, विस्तृत जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो में, वो क्या क्या होंगी, कितने पद हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो टॉपिक्स आएंगे उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग लाइव क्लासेस जो भी स्टार्ट करना हो मैं स्टार्ट कर सकूं। और मैं दोस्तों आपको मंडे से इसकी क्लासेस फ्री यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ है, जो और डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि वन दरोगा भर्ती के लिए पेट 2021 वाले, जिनके पास पेट 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड है, वैलिड मतलब जो अंक जिन्होंने शॉर्टलिस्टिंग के लिए निकाले हैं वो जिनके पास है वही लोग एलिजिबल हैं। पद यहां पर 701 है। आपको पता है कि उसके अगेंस्ट 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जो कि लगभग 19,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ये 19,000 लोगों के लिए बहुत शानदार मौका है कि आप सभी लोग, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप पढ़ाई करके उस एग्ज़ाम को निकाल लो। जहाँ पर GS आ गया वहाँ आपको पता है सब कुछ पढ़ना होता है, अनलिमिटेड हो जाता है। जहाँ पर सिलेबस आपका डिफाइंड आ जा रहा है, यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको थोड़ी सी पढ़ाई GS वाले से कम करनी। हाँ, ये ज़रूर एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि आपका कोई प्रीवियस ईयर पैटर्न नहीं है, आपको ये पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस डिफाइंड है, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत आसानी से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, जो क्वेश्चन होंगे पूरे आपके 100 अंकों के होंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है -1/4 की है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कट ऑफ गई है वो कितने अंकों की गई है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 75.69 गई है, जैसा कि सोचा जा रहा था 70 तक हो सकता है कट ऑफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, लेकिन देख लीजिए दोस्तों कट ऑफ बहुत अंतर नहीं आया है। 75.69 जनरल की गई है, SC की 70 गई है, ST की 48.45 गई है, OBC की भी 75.69 गई है, EWS की भी 75.69 गई है। ऐसा मैं कई एग्जाम में लगातार देख रही हूँ, यूपी ट्रिपल एससी में जनरल, OBC और EWS की लगभग इतनी ही कट ऑफ जा रही सेम। फ्रीडम फाइटर की बात कर लें तो 64.14 गई है, एक्स सर्विसमैन की 7.59 गई है, स्पोर्ट्स पर्सन की 23.28 गई है, विमेन की, महिलाओं की 72.22 गई है, और PH कैटेगरी की यानी कि दिव्यांगजन का यहाँ पे कुछ भी नहीं गई, उन लोगों का एलिजिबल ही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करती हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है आपका सिलेबस। मैं बार बार एक चीज़ फोकस कर रही हूँ, वो ये है दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेबस 25 टॉपिक्स में सिमटा हुआ सिलेबस है। सिमटा हुआ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे जो बेसिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, और जितनी चीज़ें आपकी वन से रिलेटेड हैं, वन दरोगा की क्या कार्य होते हैं, कैसे काम करने हैं, उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वन दरोगा को सब चीज़ों की जानकारी, मतलब वन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है। अब मैं आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ये बताऊंगी किस तरह की आपको चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि हम बात कर लें दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति की, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, तो आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय वन नीति, आपको पता है कि वन नीति ऐसा नहीं सिर्फ एक ही दो है, कई वन नीति आई थी। कौन सी सबसे ज़्यादा आपको पता है, जो नाम एक हमारे मन में आता है तुरंत, राष्ट्रीय वन नीति यानी कि 1988 वाली आती है, ठीक है। अब 1988 वाली वन नीति से अगर आपसे पूछा जाए कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या है आपके पास, एक आपका आपको पता है कि 33% आपको पता है उसमें होता है कि 33% से जो क्या कहते हैं आपके वन क्षेत्र होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 33% होने चाहिए वन आरक्षित क्षेत्र, जिनके पास मतलब वन की ज़मीन जो होनी चाहिए वो कम से कम 33% होनी चाहिए। एक ये फैक्ट हो गया। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने अभी लिखा हुआ है, वो आपका जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो आपके वन नीति आई थी, वन इसमें वन आयोग भी बनाया गया था, तो वन आयोग जो है वो कब बनाया गया, तो आप बताओगे वन आयोग बनाया गया आपका 7 फरवरी 2003 को, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो आप बताओगे न्यायमूर्ति BN कृपाल की अध्यक्षता में वन आयोग को बनाया गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब आपके यहाँ से आ सकते हैं वन नीति से। वन नीति की बात आते ही आप वन आयोग की बात करोगे, वन आयोग की बात करते हैं आप 2-3 फैक्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि 7 फरवरी 2003 को वन आयोग का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, न्यायाधीश BN कृपाल की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद BN कृपाल जी ने अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी 2006 में, उसमें उन्होंने
कहा था कि हर राज्यों की अलग अलग रणनीति भी बनाई जानी चाहिए, उसकी सिफारिश की थी उन्होंने। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको यही चीज़ें पढ़नी है, पूरी देखिए थ्योरी नहीं पढ़ डालनी है आपको, थ्योरी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही क्वेश्चन में आ सकते हैं कि वन आयोग की अध्यक्षता किसने की, आप बताओगे बी एन कृपाल ने। वन नीति के अगर 33% वाला फैक्ट पूछें कितना वन क्षेत्र होना चाहिए भूमि का, तो आप बताओगे 33%, समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें आएंगी आपकी। दूसरा अगर देख लें तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम होगा वो क्या होगा दोस्तों, जितने भी फॉरेस्ट आपके जो भी पार्क्स हैं, नेशनल सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, पूरे इंडिया की तो है ही ज़रूरी, अपने कंट्री की पूरी ज़रूरी है, प्लस यूपी की बहुत ज़रूरी है, भरतपुर है आपकी, समस्तीपुर है आपका, जो भी है आपका हस्तिनापुर है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इन सब के नाम सारी चीज़ें एकदम टिप्स पर रटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको पता होगा दिख रहा है देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, हाथी एवं टाइगर रिजर्व, और एक और जगह आपका लिखा था, यहाँ मैंने नहीं लिखा शायद, तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, हाथी और टाइगर रिजर्व, ये सारी यानी कि आपको पहला जो काम करना वो मेरे ख्याल से यही करिए, जितने भी आपके रिजर्व हैं, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड पार्क हैं, सबको लिख डालें, नहीं तो मैं तो इन लोगों को इन चीज़ों को पढ़ाऊंगी, आप उस समय नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम बात करें तो आपको यह तो पढ़ना ही है, अब देखिए आगे क्या आना है आपका, आगे जो आना है दोस्तों, एक तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा कि आपके वेटलैंड्स कितने हैं, यानी कि रामसर साइट्स कौन कौन सी है, ठीक है। रामसर साइट्स आपको पता है कि हर साल नई बनाई जाती हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं प्रेजेंट इस समय, रामसर साइट्स संबंधी चीज़ों की वेटलैंड्स यहाँ पे दिया हुआ है देखिए ये, तो वेटलैंड संबंधी चीज़ें आपको सारी चीज़ें बताना चाहिए, रामसर साइट्स की शुरुआत कब हुई, क्या है, सारा फैक्ट समझ में आ रहा होगा आपको। फिर ऐसा देख लीजिए थोड़ा सा आपको फसल चक्र और भारतीय कृषि प्रणाली के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। कार्बन क्रेडिट क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है, पर्यावरण अगर आप किसी भी जीके जीएस के थोड़ा सा पीसेस वगैरह का भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा, कार्बन क्रेडिट हुआ आपका, COP27 सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन है, ये सब आपका उसमें आता है पर्यावरण में, और ये सभी वही चीज़ें हैं जो आपकी क्वेश्चंस में आती है। देखिए यहाँ पर आपको बताऊंगी एक चीज़, पेपर का लेवल ग्रुप सी का होगा, ठीक है, पेपर का लेवल ग्रुप सी का होगा, टॉपिक देख के ये नहीं कि आप एकदम हाईफाई बुक उठा के पढ़ने लग जाना, वो मत करना, प्रीवियस ईयर पेपर पीसीएस के या फिर ग्रुप सी का जो भी आपने एग्जाम दिया हो वहाँ से इन सब क्वेश्चंस को छांटना है कि जलवायु परिवर्तन का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन क्रेडिट का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही देख के उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इन सब में क्या है, COP27 सम्मेलन में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको आपको ध्यान देना, वही चीज़ें आपको खाली पढ़नी है। अब यहाँ बात कर लीजिए आप, तो संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, यानी कि आपको पता दो तीन तरह के वन होते हैं, एक आपका होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक आपका होता है नेशनल फॉरेस्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है, कितने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, कितने नेशनल फॉरेस्ट हैं, कितने कवर में होने चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं इनकी, वन की इतनी ज़रूरत क्या है, क्यों संरक्षण ज़रूरी है, इन सब चीज़ को पर्यावरण से लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसलिए आपको फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स से संबंधित ही आएगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपका फैक्ट्स संबंधित ना हो, लिखने को नहीं आएगा आपको पता है, सिर्फ टिक मारने को आएगा, टिक भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के साथ है, तो बार बार मैं कहूँ जिस डेटा को पढ़ेंगे उसको रटिएगा, रोज़ रिवाइज करिएगा। वन और वन्य जीव संरक्षण, वन नीतियाँ, अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है, ये सभी चीज़ें आपको पता है, वन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन का इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है, आपको ये भी पता होगा, तो इन सारी चीज़ों को आपके इसमें पढ़ना है वन दोनों का भर्ती में। अगर आपको मेरी बातें अभी समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैम जो बता रही हैं ठीक है, तो हम लोग मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मंडे से मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करा दूंगी, फिर हम लोग लाइव क्लास का टाइम शिफ्ट करके सेट करके उसके बाद से अपनी क्लासेस शुरू कर लेंगे। धन्यवाद, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके बाद आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी PDF होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहीं से मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको जरूर जुड़ लीजिएगा। धन्यवाद।